कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के ओबीसी नेता होने के दावे पर पलटवार कर दिया है। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी उच्च जाति में पैदा हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद यानी साल 2001 में उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी लिस्ट में डाल दिया। गोहिल के मुताबिक नरेंद्र मोदी मोड घाची जाति के हैं, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद सितंबर 2011 में इसे ओबीसी लिस्ट में शामिल किया गया। गोहिल के मुताबिक मोड घाची अमीर और समृद्ध जाति रही है, लेकिन मोदी के जातिवादी कार्ड खेलने को उन्होंने पाप करार दिया। मोदी जब पैदा हुए तब या बड़े हुए तब कभी भी पिछड़ी जाति में नहीं थे। नरेंद्र मोदी की जाति है मोड घाची। मोदी मोड घाची है, माने वैश्य तो है ही, अपर कास्ट तो है ही, पर उसमें भी ज्यादा पैसे वाले जो परिवार थे उसमें से आते थे। तो कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी पर जाति कार्ड खेलने का आरोप लगा रही है, पिछड़ा कार्ड खेलने का आरोप लगा रही है, लेकिन जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी के साथ इंटरव्यू में मोदी ने साफ कहा था कि उन्होंने अपनी जाति का जिक्र अपने फायदे के लिए कभी नहीं किया है। लोगों को इस चुनाव के दौरान यह भी पता चला कि आप भी ओबीसी से संबंध रखते हैं, ये भी बात लोगों को पता नहीं थी। आपको ऐसा लगता है कि आपके ओबीसी स्टेटस के बारे में पता लगने के बाद इसका भी आपको एक लाभ मिलेगा, और जो इस देश के जो पिछड़े लोग जो हैं वो आपके साथ ज्यादा चाय वाले तो आ ही जाएंगे, लेकिन जो पिछड़े लोग हैं वो भी अच्छा, आएंगे। आपने अच्छा सवाल पूछा, मैं कुछ बताऊं। वैसे मैं कभी ये बात बताता नहीं हूं, लेकिन अब आज आपने मेरे मुंह में उंगली डाल दी है। देखिए, मैं जातिवादी राजनीति का विरोधी हूं, मैं संप्रदायवादी राजनीति का विरोधी हूं, मैं वोट बैंक की राजनीति का विरोधी हूं, और इसलिए मैं कभी भी इस प्रकार के बैकग्राउंड का उपयोग करके चुनाव न लड़ना चाहता हूं, न देश को उस दिशा में लेने जाना चाहता हूं। ये हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 95 में गुजरात बीजेपी में अंदरूनी तनाव पैदा हुआ और शंकर सिंह वाघेला ने खुद ओबीसी हैं ऐसा अपने आप को पोर्ट्रेट किया, केशु भाई नरेंद्र मोदी फॉरवर्ड है, मैं बैकवर्ड हूं, बीजेपी में बैकवर्ड की कुछ चलती नहीं, ऐसा उन्होंने मीडिया के माध्यम से बहुत चलाया और चल रहा था, मीडिया भी मानता था कि ये बैकवर्ड है। एक दिन ऐसे ही मीडिया के लोग बैठे थे, उन दिनों बिहार से 5-7 लोग या मीडिया में नौकरी करते थे, तो उनके दिमाग में जातिवाद भरा पड़ा था, तो चर्चा चली। मैंने कहा देख भाई, मैं कभी बोलता नहीं हूं, लेकिन मैं आज बता देता हूं मैं कौन हूं। ये झूठ चला रहे हो आप लोग, बेकार में चला रहे हो, मैं ऑफिशियल तो नहीं बोलता था। मैंने कहा शंकर सिंह उच्च क्षत्रिय समाज से आते हैं, मोदी मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी से आता है। तो उन्होंने जो मुझे कहा उससे मुझे धक्का लगा, उन्होंने कहा मोदी जी आपका चेहरा, आपका व्यवहार, आपका स्किन कलर, इससे तो नहीं लगता है। मैंने कहा यार तुम ऐसा चाटा मार रहे हो, क्या ओबीसी आदमी फेयर स्किन का नहीं हो सकता है क्या? क्या ओबीसी आदमी तेज बुद्धि प्रतिभा का नहीं हो सकता है क्या? क्या ओबीसी आदमी दुनिया को सेवा नहीं कर सकता है क्या? तो ये बैकग्राउंड में मेरी बहस हुई थी, मैं इस विषय को कभी बोलता नहीं था। जिस दिन मेरी दिल्ली में रैली थी उसी दिन मैंने अखबारों में कोई फालतू लोगों ने पता नहीं गाली गलौज कर दिया था, उस दिन आप भागो खो गए, असल में आप बड़े इमोशनल हो गए उस दिन। तब मेरा मन कर गया कि भाई क्या बोल रहे हो आप, राजनीति अपनी जगह पे उत्तम मर्यादा रखो। और तब मैंने कहा भाई आपको पता नहीं, मैं जिंदगी में पहली बार बोल रहा हूं कि मोदी वो इंसान है जिसने रेल के डिब्बे में चाय बेचते बेचते आज यहां आया।